अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सकीनास किचन। रोज की तरह आज भी हम आपके लिए नई रेसिपी लेके आए हैं। आपको मेरी रेसिपी से अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए। चलिए अब रेसिपी की तरफ। आज हम चिकन रोस्ट बनाएंगे। ये रहे इंग्रेडिएंट। यहाँ पे मैंने स्किनलेस चिकन लिया है, 1/2 kg मैंने चिकन लिया है, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा पाउडर, दही, लेमन, नींबू, नमक हसबे ज़ायद। यहाँ पे हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और इसमें हम 1 चम्मच धनिया पाउडर को ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्चों का पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1/2 छोटा चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, साथ में हम दही को ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने दही को डाल दिया है, 2 टीस्पून, सॉल्ट हसबे ज़ायद, नमक यहाँ पे मैंने 1/2 छोटा चम्मच नमक लिया है, हल्दी। अभी हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिक्स देंगे ताकि हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए। ये देखिए, आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च हो तो भी ऐड कर सकते हो 1/2 चम्मच, 1/2 नींबू। अभी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, लगभग 5 मिनट या 10 मिनट। यहाँ पे हमारा मैरिनेट हो गया है चिकन, अभी हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है और यहाँ पे मैं तेल को ऐड करूँगी, 2 बड़े चम्मच। तेल को गर्म होने देंगे। यहाँ पे हम 1-1 करके चिकन को ऐड करेंगे हल्के से। यहाँ पे देखिए, सारा चिकन मैं ऐड कर रही हूँ। चिकन डालने के बाद इसको 3 मिनट तक हम इसको हिलाएंगे नहीं, ताकि हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे से पक जाए और तेल में मसाला ना छोड़े। 3 मिनट हो चुके हैं, 3 मिनट के बाद हम इसे हल्के से ऐसे पलट लेंगे। सारे पीसेस को हम पलट पलट कर पका लेंगे। हल्का सा कलर आ चुका है चिकन में। बहुत ही इजी है दोस्तों इसको बनाना और एकदम बढ़िया टेस्ट। आप भी चिकन को ऐसे बना सकते हो। चिकन रोस्ट बनके तैयार हो रहा है। चिकन ने भी अपना तेल छोड़ दिया है। इसको हम पलट पलट कर अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैं पलट पलट कर अच्छे से इसको भून रही हूँ। अच्छे से कलर देना है, गोल्डन ब्राउन कलर। 3-4 मिनट तक इसको हम ऐसे ही पलट पलट कर भून देंगे। देखिए चिकन में कलर आ रहा है। तो क्या, सारे जो पके हैं मैं उसको एक साइड में रखी हूँ और जो अभी गोल्डन ब्राउन हुए नहीं तो उसको मैं तेल में अच्छे से इसको पलट के पका रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, सारे पीसों में अच्छे सा एक कलर आ चुका है। मसाले भी हमारे अच्छे से पक कर तेल छोड़ रहे हैं। अभी मैं कड़ी पत्ते को ऐड करूँगी। कड़ी पत्ते से और भी इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। कड़ी पत्ते को हम अच्छे से फ्राई करके ऐसे ही तेल में डाल दीजिए और वही एक अच्छा फ्लेवर दे देगा आपके चिकन में। यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ। देखिए हमारा चिकन कितना जूसी और कितना कलरफुल, कितना सुंदर लग रहा है हमारा चिकन और कितना आसान है इसको बनाना। ये देखिए, चिकन रोस्ट बनके तैयार हो चुका है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए आप मुझे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए
और रेसिपी को बनाइए और मजे लीजिए। आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।